हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के रियल फैक्ट में। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है और यह कैसे पड़ता है, और सबसे पहले लीप वर्ष कब से चालू हुआ था? यदि नहीं पता तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। हम वीडियो शुरू करते हैं। हर 4 साल बाद लीप वर्ष मनाया जाता है जो फरवरी महीने में पड़ता है। लीप वर्ष में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है, जिससे लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। आइए लीप वर्ष के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं और मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, ऐसे में 0.25 दिन का समय 4 वर्ष में जुड़कर 1 दिन हो जाता है। यही 1 दिन हर 4 वर्ष में फरवरी में जुड़ जाता है, जो 28 से 29 दिन का हो जाता है, और यह साल 365 के बजाय 366 दिन का हो जाता है। जब भी साल में 366 या फरवरी में 29 दिन आते हैं, तब यह साल लीप ईयर कहलाता है। दोस्तों, जब से दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है, उस समय से लीप वर्ष पड़ता है। प्रभु यीशु के जन्म से ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है। दोस्तों, प्रभु यीशु के जन्म वर्ष के 4 वर्ष बाद पहला लीप वर्ष पड़ा था। उस समय से हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष पड़ता है। दोस्तों, अगर लीप वर्ष न मनाया जाए तो हम हर वर्ष सौर मंडल के समय चक्र से 6 घंटे आगे निकल जाएंगे। इस तरह 100 वर्ष बाद 25 दिन आगे हो जाएंगे और फिर मौसम परिवर्तन का जरा भी ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको इससे पहले इन सभी जानकारी के बारे में मालूम था कि लीप वर्ष कब और कैसे और क्यों पड़ता है? यदि पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने YouTube चैनल RK Real Fact को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।